बच्चों आप जब पहली बार स्कूल गए हो गये, तो आपको कैसा लगा होगा स्कूल का पहला दिन आपने वहाँ क्या क्या देखा होगा तो चलिए अभी ऐसे ही स्कूल के बारे में चित्र में देखते हैं देखते हैं वहाँ क्या क्या है ऐसे ही एक क्लास कक्षा के बारे में देखते हैं वहाँ क्या क्या है तो बच्चों चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड टीचर बच्चे चित्र दीवार में लगे हुए चित्र खिड़की दरवाजे के बाहर कुछ पानी पीते हुए बच्चे कुछ झूला झूलते हुए बच्चे तो चलो अभी विस्तार से हम इसको हर चित्र पे चित्र का वर्णन करते हैं क्ला कक्षा में क्या क्या है क्लास में आप क्या क्या देख रहे हो ब्लैक बोर्ड टेबल कुर्सी और पहले दीवार पे क्या है एक बड़ा सा प्राथमिक रंग का चित्र चित्र लगा हुआ है जिसमें प्राथमिक रंग के विषय में बताया गया है उसमें लाल पीला नीला जो प्राथमिक रंग है उनके बारे में बताया हुआ है उनके बारे में कलर करके बताया गया है दूसरा उसके नीचे जो छोटा सा चित्र है उसमें दो फूल और पत्तियाँ बने हुए हैं और बगल में कचरे का डब्बा रखा है जिसमें टीचर और बच्चे जो गन पेपर होता है पेंसिल के छिलके होते हैं वो सब उसमें डालते हैं जिससे जो क्लासरूम है वो साफ साफ रहता है आपको भी अपना क्लास कक्षा जो है क्लासरूम जो है साफ रखनी चाहिए ना। जो पेंसिल की छील या जो कागज़ के हैं वो कचरे के डब्बे में ही डालनी चाहिए फिर दूसरे दीवार पे एक चित्र है उसमें कविता लिखी हुई है कविता जरा मेरे साथ पढ़िए तो अकड़ बकड़ बम्बे बो असी नब्बे पूरे सौ सौ में लगा धागा चोर निकल कर भागा एक बार फिर से अकड़ बक्कड़ बम्बे बो असी नब्बे पूरे सौ सौ में लगा धागा चोर निकल कर भागा अब उसके नीचे एक फलों वाला चित्र है चित्र में केला संतरा और अंगूर बने हुए हैं ये सब ये तीनों फल आपको अच्छे लगते हैं ना इसके अलावा आपको कौन कौन से फल अच्छे लगते हैं आम सेब तरबूज और ये चित्र के बगल बगल में एक लड़की खड़ी है वो क्या देख रही है वो किताबों को देख रही है किताब कहानी के किताब ल, रखे हुए हैं वो लड़की किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश कर रही है बाहर खिड़की है खिड़की में खिड़की से बाहर क्या हो रहा है खिड़की खिड़की से बाहर एक लड़की जो है वो पेड़ की डाली पे झूला बना के झूला पे झूल रही है और दो बच्चे जो हैं दो लड़की अपने एक लड़का और एक लड़की अपने बारी आने का राह देख रहे हैं और टीचर क्या कर रही है बच्चों को पढ़ा रही है कुल कितने बच्चे हैं चलिए गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस क्लासरूम में कुल उन्नीस बच्चे हैं अब दरवाजे के बाहर चलते हैं दरवाजे के बाहर एक बच्चा झाँक रहा है क्लासरूम के अंदर टीचर को पढ़ाते हुए बच्चों को पढ़ते हुए देख रहा है उसके साथ उसकी बिल्ली है और आगे एक नल है हैंड पाइप है उसमें एक बच्ची एक लड़की जो है नल चला रही है और दूसरा जो बच्चा है वो पानी पी रहा है और दो लड़के जो हैं वो पेड़ पेड़ की ओर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो बच्चों आपने देखा ना इस चित्र में क्या क्या है अब ये दूसरे पेज पे दूसरे पृष्ठ पे नाम है आपको इसमें अपना नाम लिखना है मेरा नाम चैनिका है आपका क्या नाम है इसमें आप अपना नाम हिंदी में लिखिए मेरी शिक्षक या शिक्षिका का नाम है मेरे इसमें आप अपने टीचर का नाम लिखिए उन चित्रों के उन चीज़ों के चित्र बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में हैं जैसे आप उन वस्तुओं के पिक्चर बनाइए जो आपके क्लासरूम में होते हैं जैसे इसमें स्कूल बैग बना हुआ है लेकिन आप पेंसिल भी तो ले जाते हो बेंच ले जा बेंच रहता है टेबल रहता है जो क्लासरूम में कोई चीज़ होता है उसका चित्र बनाना है अब ये दूसरे पन्ने पे क्या है दो टोलियाँ हैं दो ग्रुप है उसमें एक टोली है जिसका नाम म से आता है और दूसरी टोली है जिसका नाम न से आता है बच्चों को सही टोली तक सही ग्रुप तक लाइन करके पहुंचाना है हेमा हेमा ग्रुप में आती है मानू मानू वैसे तो म दोनों में आती है लेकिन न ग्रुप में इसको किया गया है स्वामी म स्वामी में म है तो वो म ग्रुप में की टोली में नीलू में न है तो न की टोली में उमर में म है तो वो की टोली में धन धन्न में धना में न है तो की टोली में मुर्गन में मुर्गन में न है है तो की टोली में हमीदा में मो है तो मो की टोली में राजन में न है तो की टोली में नुनू में तो दो दो न है तो की टोली में माधवन में मो न दोनों है पर उसको की टोली में डाल देते हैं निर्जा निर्जा को न की टोली में हमीदा को म की टोली में मोहित को म की टोली में अब आगे बढ़ते हैं इसमें अंगूठे की छाप है थंब प्रिंट है थंब प्रिंट से चित्र बनाना सिखाया गया है इसमें एक लड़की का और एक लड़के का चित्र है लड़ इसमें आप अपना नाम लिखिए और दूसरे तरफ अपने दोस्त का नाम अंगूठे के अंदर छिपा एक बंदर उसका एक साथी मोटा एक हाथी ये देखिए अंगूठे से थम प्रिंट से बंदर बनाया गया है और उसका जो उसकी पूंछ कितनी लंबी है और उसका जो साथी है दोस्त है वो हाथी है हाथी की सूट तो देखो और और क्या क्या है बटरफ्लाई भी तितली भी बनाया गया है थंब प्रिंट से अंगूठे की छाप से और ये चूहा बनाया गया है बिल्ली बनाया गया है और ये जो है मुर्गी का बच्चा चूजे हैं और ये है मछली पानी में जो तैरती है और ये है, है, है मकड़ी जो जाले बनाती है और ये आठ थंब लगा दिया गया है कठपुतली लिखा गया उसके नीचे गठरी लिखा गया है चिड़िया लिखा गया है अनार तो आठ से मैं ऊपर आप एक और थंब लगा देंगे थंब का प्रिंट लगा देंगे तो आठ बन जाएगा और कठपुतली में आप ऊपर थोड़ी सी छोटी और आँख नाक मुंह बना देंगे पैर लगा देंगे तो कठपुतली बन जाएगी गठरी किसी वस्तु की गठरी जैसा उसको आकार दे देंगे तो गठरी बन जाएगी चिड़िया में आप चोच लगा देंगे और पंख लगा देंगे तो चिड़िया बन जाएगी अनार में आप थोड़े से दाने लगा देंगे और हरी हरी उसकी पत्तियाँ दिखा देंगे तो अनार बन जाएगा और ये है अंगूठे की छाप से आपको कुछ बनाना है यहाँ पे आप बच्चों ये दूसरा चित्र कहाँ का है बताओ तो जरा ये दूसरा चित्र जो है वो कक्षा के अंदर का नहीं कक्षा के बाहर का है जब आपका रिसेस होता है ना मध्यान होता है तब का ये दृश्य है तब का ये चित्र है बाहर निकल के सारे बच्चे खेलते हैं ना ये उस समय का चित्र है इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं कुछ बच्चे पेड़ में लगे फल को तोड़ने को गुलेल से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बच्चे पानी में कागज़ का नाव नाव बना के डाल रहे हैं कुछ बच्चे एक के ऊपर एक पत्थर रख के और उसको गेंद से मारकर गिराने की कोशिश कर रहे हैं कुछ बच्चे लंच कर रहे हैं कुछ बच्चे अपना नाश्ता पूरा कर रहे हैं कुछ लड़कियां जो हैं वो रस्सी कूद रही हैं कुछ कुछ बच्चे इकट्ठ तखट खेल खेल रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में बैठ के किताब पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे फाटक के अंदर खड़े होकर फाटक के स्कूल के फाटक के बाहर की चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं और क्लासरूम में के ऊपर क्या लिखा हुआ है क्या नारा लिखा हुआ है ज़रा पढ़ो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गांधी जी का चित्र भी बना हुआ है स्कूल के जो मैदान है उसमें तीन पेड़ हैं तो बच्चों ज़रा गिनने की कोशिश करो कि स्कूल के मैदान में कुल कितने बच्चे हैं चलो शुरू होते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस कुल कितने बच्चे हैं अट्ठाईस तो बच्चों आपको ये चित्रवर्णन कैसा लगा धन्यवाद